तेरे बाप की जागीर है क्या यह देश? हराम खोरो, तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है? इस देश से एक भी मुसलमान और एक भी दलित समाज के लोगों को किसी को निकाल नहीं सकते हो। बलात्कारी तुम्हारी पार्टी में, भ्रष्टाचारी तुम्हारे पार्टी में, दंगे तुम कराओ, फसाद तुम कराओ, देशद्रोही के देश तोड़ने वाली राजनीतिक तुम करो। क्या हिंदुस्तान में एक भी भाजपा के नेता को खुली चुनौती दे रहा हूं, करेगा मेरे से डिस्कशन एनआरसी पे? तुमसे बड़ा गद्दार इस देश में, भाजपा वालों से बड़ा गद्दार इस देश को तोड़ने के लिए आरएसएस संगठन एक आतंकी संगठन है। फिर से कह रहा हूं मैं, हिंदू मुसलमान को इसी मुल्क में रहना है तो फिर ऐसी नफरत की राजनीति क्यों पैदा करते हो? अब कौन सा संकट इस देश के ऊपर खड़ा हो गया है 6 साल में, ये तो भाजपाइयों को ही पता होगा। कल जो आपने भाषा का मर्यादा लांघा है कि जो जय श्री राम कहेगा वही इस देश में रहेगा, तेरे बाप की जागीर है क्या ये देश? ये क्या है, ये क्या भाषा का बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? मैं हिंदू हूं, मैंने 10 कट्ठा के अंदर दुर्गा भवन बनाया है, 18 मूर्तियां लगवाई है, लेकिन हमने आज तक कभी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मंदिर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि नेता के अंदर अपनी काबिलियत होनी चाहिए। हराम खोरो, तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है? 80 से लेके अब तक राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर गाते फिर रहे हो, भजन गाते फिर रहे हो, क्यों नहीं अध्यादेश लाके राम मंदिर बनाने की पास किया पार्लियामेंट के अंदर? तुम्हारा डिसीजन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और जिस व्यक्ति को डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे फरिश्ते के फरिश्ते भी इस देश से एक भी मुसलमान और एक भी दलित समाज के लोगों को किसी को निकाल नहीं सकते हो। इस बात को कान खोल के सुन लो, ये हिंदू मुसलमान की दाल रोटी सेकना बंद करो। और एक चीज और कह रहा हूं, आज मैं राजनगर से विधायक हो ना, तो भारतीय मित्र पार्टी तुम्हारे खिलाफ राजनगर से कैंडिडेट देगा। तुम लड़ लेना जय श्री राम के नारे पे चुनाव, और हम लड़ेंगे विकास के नाम पे, समाज में एकता के नाम पे। तुम लड़ लेना एनआरसी के नाम पे, और मैं तो कहता हूं, खुले चैलेंज कर रहा हूं तुम्हारे गुरु अमित शाह को और मोदी जी को, कि बिहार का चुनाव एनआरसी के मुद्दे पे लड़ लो, समझ में आ जाएगा। जिस जाति से पासवान हो ना, एनआरसी के मुद्दे पे जरा पासवान से ही मत मांग के देख लेना, कितने मत तुम्हें मिलेंगे। और तुम लोग से चरित्र सीखने की देश में किसी को जरूरत नहीं है। किस करैक्टर के हो रामप्रीत पासवान बढ़िया से जानता हूं मैं, और तुम्हारी पार्टी में किस किस करैक्टर के भरी हुई हैं, दूसरे के घर वाले को अपना घर वाला बना के उनसे करैक्टर सर्टिफिकेट लेने की देशवासियों को जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं हित की, वो तो खुद अपनी घरवाली को छोड़ के भागा हुआ व्यक्ति है, वो क्या दूसरे को इंसाफ देगा? बलात्कारी तुम्हारी पार्टी में, भ्रष्टाचारी तुम्हारे पार्टी में, दंगे तुम कराओ, फसाद तुम कराओ, देशद्रोही के देश तोड़ने वाली राजनीतिक तुम करो, और ठीकरा मरो विपक्ष के ऊपर। याद कर लो भाषण, त्रिपुरा की जनसभा में अमित शाह जी का भाषण याद है कि हिंदुस्तान में जितने दंगे भड़केंगे उतना कमल खिलेगा? तो दंगे भड़काने वाले भाषण तुम देते हो। अभी शाहीन बाग का देखा ना मैटर,
कि हमारा ये प्रयोग है, हिंदू मुसलमान को लड़वाएंगे और प्रयोगशाला में अपने वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कितनी घटिया सोच में और कितनी घटिया पार्टी के सदस्य हो तुम। क्या हिंदुस्तान में एक भी भाजपा के नेता को खुली चुनौती दे रहा हूं करेगा मेरे से डिस्कशन एनआरसी पे, खुले मंच पे खुली चुनौती दे रहा हूं। देश की जनता को मूर्ख बनाए हुए हो, हिंदू की बात करते हो, 19,06,663 आदमियों की नागरिकता आसाम में समाप्त कर दी, हिंदू हिंदू का ढोल पीटते हो और 15 लाख से ज्यादा हिंदुओं की नागरिकता समाप्त कर दी, शर्म नहीं आता है? और वो हिंदू हैं कौन? जिस बिहार में हम लोग रहते हैं सबसे ज्यादा बिहार के आदमियों की नागरिकता गई है। एनआरसी 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 पूरे देश को गुमराह करके बैठे हुए हो। नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता देने का तुमने कानून बनाया कि ये पहले से कानून देश के अंदर लागू है 1955 से, कौन सा ऐसा तीर मार दिया है? विकास दर सारी चौपट कर दी, 5,65,000 कंपनियों की मान्यता रद्द करके 6 करोड़ आदमियों को बेरोजगार बना दिया, LIC को बेच के खा गए, सभी चीज तो बेच के खा गए। और तिरंगा यात्रा क्या है? तिरंगा यात्रा तुमसे देशभक्ति सीखेगा क्या इस देश का नागरिक? जब तुम्हारी सत्ता नहीं थी तब 90,000 सैनिकों के हथियार पाकिस्तान में घुस के भारत की सेना ने गिरा सिलेंडर करवाया था, भूल गए? तुमने क्या कराया? चुनाव जीतने के लिए इस देश के सेना को मरवा दिए, देश के गद्दारों, और दूसरे को गद्दार कहते हो? तुमसे बड़ा गद्दार इस देश में, भाजपा वालों से बड़ा गद्दार इस देश को तोड़ने के लिए आरएसएस संगठन एक आतंकी संगठन है, फिर से कह रहा हूं मैं। क्योंकि जब महात्मा गांधी की गोडसे ने हत्या की थी तो उस टाइम के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आतंकी संगठन कह के इस संगठन को बैन करने का काम किया था। वो तो कहो के जवाहरलाल नेहरू जी ने इस संगठन के ऊपर रहम करके इसको पुनः, आज उसी का नतीजा वो लोग खुद भुगत रहे हैं। तो ऐसी घटिया राजनीति का आप लोग करते हो। तिरंगा यात्रा क्या है? उसे क्या देश को मिलेगा? क्या तिरंगा यात्रा निकालने के लिए देश की जनता ने तुमको चुन के भेजा था? या तिरंगा यात्रा निकाल के क्या देश का विकास हो जाएगा? कितनी इंडस्ट्रियां बिहार में लगवाई, इस पे कभी डिस्कशन करोगे? मधुबनी दरभंगा में 3 सुगर चीनी मिल है, तीनों को बेच के खाने का काम किए हो तुम लोग, उसके ऊपर कभी धरना प्रदर्शन किया या कभी सदन के अंदर आवाज उठाई? मूर्खों की एक टीम इकट्ठी हो गई है और देश की जनता को गुमराह किए हो, एक नफरत भरी राजनीति करते हो। जब हिंदू मुसलमान को इसी मुल्क में रहना है तो फिर ऐसी नफरत की राजनीति क्यों पैदा करते हो? मैं फिर से कह रहा हूं, एनआरसी के मुद्दे पे, CAA के मुद्दे पे और PR के मुद्दे पे 2020 का चुनाव लड़के देख लो, बिहार में 1-2 सीट मिल जाएगा कहीं, वो भी उन कास्टों का, फॉरवर्ड कास्ट का, बाकी बैकवर्ड आपको दलित महादलित कोई वोट नहीं देने जा रहा है इस बार। यही कड़वी सच्चाई है, क्योंकि गुमराह आप ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को। जो जय श्री राम बोलेगा वो इस देश में रहेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा तेरे कहने से, उखाड़ ले भाई क्या उखाड़ना चाहता है, क्योंकि तुम लोग की कोई भाषा की मर्यादा नहीं है। तेरे बाप के बाप से भी अगर मैं भगाने की दम है ना, तो धनेश्वर महतो तेरे को बोल रहा है कि भगा के दिखा दे मुझे देश से। समझ गया रामप्रीत पासवान, सुरक्षित सीट नहीं होता ना राजनगर तो मैं आता चुनाव लड़ने, जरा देखता तेरे जय श्री राम से कितना तेरे को मत मिलता है और कितना हमें मिलता है। जय